तो आज के इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर में हम लोग एक्सिस बैंक के एक्सिस डायरेक्ट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के बारे में बात करने वाले हैं। इस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर में आपको क्या क्या चार्जेस मिलते हैं, ब्रोकरेज प्लान आपको कैसे मिलते हैं और क्या क्या उसके टर्म एंड कंडीशन है, और साथ ही ब्रोकरेज चार्जेस जो आपको साल 2023 के ऊपर में मिल जाते हैं, ये पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर में मिलने वाली है। तो चलिए वीडियो अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे अकाउंट ओपनिंग चार्जेस की। तो एक्सिस डायरेक्ट के ऊपर में आप लोग अपना अकाउंट बिल्कुल फ्री में ओपन करा सकते हो, ऐसा कंपनी क्लेम करती है, बट यहाँ पर आपके ऊपर चार्जेस लग जाते हैं और उसके पीछे आपके टर्म एंड कंडीशन क्या क्या है वो मैं आपको आगे वीडियो के अंदर में बताने वाला हूँ, तो आप लोग वीडियो एंड तक देख लेना। और वहीं बात करें ईएमसी चार्जेस की या फिर अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस की, तो अगर आपका एक्सिस बैंक के ऊपर में बैंक अकाउंट अवेलेबल है तो यहाँ पे आपको ईएमसी चार्जेस फर्स्ट ईयर बिल्कुल फ्री मिल जाएंगे, लेकिन सेकंड ईयर से यहाँ पर आपके ऊपर 750 रुपीज का चार्ज लगेगा। और वहीं अगर आपका बैंक अकाउंट एक्सिस बैंक के ऊपर में नहीं है तो फर्स्ट ईयर यहाँ पर आपका चार्ज 350 रुपीज लगेगा और सेकंड ईयर से 750 रुपीज के चार्जेस आपके यहाँ पर लगने वाले हैं। तो वीडियो में थोड़ा आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे ब्रोकरेज प्लान और ब्रोकरेज चार्जेस की। तो एक्सिस डायरेक्ट के ऊपर में आपको टोटल 3 ब्रोकरेज प्लान मिलते हैं। पहले प्लान का नाम है स्टैंडर्ड प्लान, दूसरे प्लान का नाम है नाउ और नेवर प्लान, और तीसरे प्लान का नाम है इन्वेस्टमेंट प्लान। इन सभी प्लान को एसेस करने के लिए आपके कितने चार्जेस लगते हैं और क्या क्या टर्म एंड कंडीशन है वो मैं आपको आगे वीडियो के अंदर बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले इसके ब्रोकरेज चार्जेस के बारे में बात कर लेते हैं। तो शुरुआत करते हैं स्टैंडर्ड प्लान से। अगर आप लोग इस प्लान के ऊपर में डिलीवरी के ऊपर में ट्रेड करोगे तो यहाँ पर आपके ऊपर में 0.50% के चार्जेस लगने वाले हैं, इंट्राडे और फ्यूचर के ऊपर में 0.05% के चार्जेस, और इक्विटी ऑप्शन में 10 रुपीज पर लॉट के हिसाब से चार्जेस आपके लगने वाले हैं। सेकंड प्लान की बात करें जो कि है नाउ और नेवर प्लान, तो इस प्लान के साथ में अगर आप लोग डिलीवरी के ऊपर में ट्रेड करोगे तो यहाँ पर आपके चार्जेस 0.25% के लगने वाले हैं, इंट्राडे और फ्यूचर के ऊपर में 0.03% के चार्जेस आपके लगने वाले हैं, और इक्विटी ऑप्शन के ऊपर में 10 रुपीज पर लॉट के हिसाब से चार्जेस आपके लगने वाले हैं। इसके साथ ही बात करें इन्वेस्टमेंट प्लान की, तो नाम से लगता है कि ये एक इन्वेस्टमेंट प्लान है, पर अगर आप इसके चार्जेस जानोगे तो आप बिल्कुल शॉक हो जाओगे। डिलीवरी ट्रेडिंग पर 0.5% के चार्जेस, इक्विटी इंट्राडे और इक्विटी फ्यूचर में 0.50% के चार्जेस, और इक्विटी ऑप्शन में 10 रुपीज पर लॉट के हिसाब से आपके यहाँ पर चार्जेस लगने वाले हैं इन्वेस्टमेंट प्लान के ऊपर में। तो कुछ ऐसे ब्रोकरेज चार्जेस आपको एक्सिस डायरेक्ट प्रोवाइड करता है, और अब समझते हैं इन प्लान के टर्म एंड कंडीशन क्या क्या है और इसके चार्जेस क्या क्या है। तो स्टैंडर्ड प्लान के साथ में अगर आप लोग जाना चाहते हो तो यहाँ पर आपके 499 के चार्जेस लगने वाले हैं, नाउ और नेवर प्लान के साथ में जाना चाहते हो तो यहाँ पर आपके ऊपर 5,555 रुपए के चार्जेस लगने वाले हैं, और इन्वेस्टमेंट प्लान के साथ में जाने पर यहाँ पर आपके ऊपर में 1,500 रुपए का चार्जेस लगने वाला है। ब्रोकरेज चार्जेस बहुत ही हायर साइड पर रखे गए हैं और साथ ही यहाँ पर इनके प्लान के भी चार्जेस बहुत ही हायर साइड पर रखे गए हैं। इनके सिर्फ स्टैंडर्ड प्लान के साथ में ही जाने पर आपके 499 के चार्जेस लगेंगे जो कि इनका डिफॉल्ट प्लान है। तो एक तरीके से 499 के अकाउंट ओपनिंग चार्जेस आपके यहाँ पर लग जाएंगे, जो कि मेरे हिसाब से इस प्लान के लिए बहुत ही ज्यादा चार्जेस हैं। मार्केट के अंदर में बहुत से ब्रोकर हैं जो आपको सस्ते प्लान अच्छे सर्विस के साथ में प्रोवाइड करते हैं,